नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैगुबेन टेक पर। मेरा नाम है जैगुबेन। दोस्तों, आज का विषय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को चालू हुए लगभग 3 वर्ष व्यतीत होने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, जब पैसा किसान भाइयों के खाते में डाला जाता है तो बताया जाता है 9 करोड़ किसान भाइयों के खाते में पैसा डाल दिया गया है, 10 करोड़ किसान भाइयों के खाते में पैसा भेज दिया गया है। एक पहलू तो ये है कि इतने लोगों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो वर्तमान में छुपा हुआ है। दोस्तों, दूसरा पहलू है कि लगभग उत्तर प्रदेश में 3 से 4 लाख किसान सम्मान निधि योजना में अपात्र कर दिए गए हैं। वो किसान अपने आप को पात्र करवाने के लिए तहसील से लेकर जिला तक, कृषि उपनिदेशक से लेकर मुख्यमंत्री जी तक अपनी शिकायत भेज चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उन लोगों को पात्र करने के लिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सभी लोगों को लिए भेज दिया जाता है ऊपर से कि ठीक है, आपको अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कीजिए या अपने तहसील में जाके संपर्क कीजिए या कृषि विभाग, जो आपके नज़दीकी कृषि विभाग है वहां पर जाकर संपर्क कीजिए और आपको पात्र कर दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में उन किसानों को आज तक पात्र नहीं किया गया है। इसका डाटा लगभग 3 से 4 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि इस वीडियो को राज्य सरकार तक भेजा जाए, केंद्र सरकार के उन वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजा जाए जिनसे हमारे देश के अन्नदाता को पैसा मिल सके। वास्तव में जो पात्र होते हुए भी उस समय योजना शुरुआत होने पर उन्हें अपात कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, आज हम उसी का थोड़ा सा एक सबूत के तौर पर आपको दिखाएंगे कि वास्तव में किसान सम्मान निधि योजना में कितने कितने लोगों को अपात किया गया है, उसका डाटा हम प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आप अपने ब्लॉक का चयन करेंगे। ब्लॉक का चयन करने के बाद आप किसी भी गांव का, ये उत्तर प्रदेश की गुरसाएं ब्लॉक के अंतर्गत झांसी जिला के इतने सारे गाँव हैं, आप किसी भी एक गाँव का डाटा उठाकर देख लीजिए तो आप पाएंगे कि 10, 20, 50, कहीं कहीं तो 60 से 70 लोगों को किसान सम्मान निधि में अपात किया गया है। हम किसी एक गांव का उठाकर देख लेते हैं कि इस गांव में कितने, देखिए कितने लोगों को किसान सम्मान निधि योजना में अपात किया गया है। ये डाटा आप स्वयं देख सकते हैं। ये डाटा तो कुछ नहीं है, इसमें और भी इतना लोगों की अपात हैं कि इस डाटे में पूरा उनका ब्यौरा नहीं आ रहा है। आपको तो ये सिर्फ प्रूफ के तौर पर दिखा रहे हैं कि देखिए आप, मतलब राज्य सरकार के कर्मचारियों की लापरवाही से, राज्य सरकार तो काम सही करती है, आदेश देती है, पर राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो कृषि विभाग में अधिकारी बैठे हुए हैं, वो अपने काम को सही तरीके से नहीं करते और लोगों को परेशान करते हैं, जिससे वो दर दर भटकते हैं। आज किसी अधिकारी के पास जाते हैं, कल जिला के DM साहब के पास भी जाते हैं, पर उनका कहीं पर भी कोई निस्तारण नहीं होता है। हम बहुत सारे गांवों का इस यहां पर लिस्ट दिखाई दे रही है, हम किसी गांव का भी देख लें तो हम पाएंगे कि यहां पर बहुत से गांवों में सम्मान निधि योजना के अपात आपको मिल जाएंगे। देखिए, ये हमने एक गांव और खोल लिया है, देखिए यहाँ पर 10 लोगों के किसान सम्मान निधि योजना में अपात्र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये डाटा 10 नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारा डाटा है, वो यहाँ पर साइट पर शो नहीं हो रहा है। ये तो वो डाटा है कि अगर इसमें सुधार करना चाहो तो हो सकता है, लेकिन वो डाटा जो वास्तव में सुधार होना चाहिए था पर वो सुधार नहीं हो पा रहा है, वो बहुत ज़्यादा है। 3 से 4 लाख लोगों का किसान सम्मान निधि योजना में अपात है। अगर
इस वीडियो में जो हम जानकारी दे रहे हैं, अगर ये वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी गलत लगती है किसी व्यक्ति को, तो आप राज्य सरकार के कृषि विभाग पर आरटीआई दायर करके भी आप जान सकते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना में उत्तर प्रदेश में कितने पात्र किसानों को अपात किया गया है, जिससे आपको वो सारी जानकारी मिल सकती है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जिससे राज्य सरकार के पास ये जानकारी पहुंचे, राज्य सरकार स्वयं अपने कर्मचारियों को ये आदेश दे कि इन किसानों को भी अपात से पात किया जाए, जिससे उन्हें भी किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 2019 से लेके आज तक का एक भी पैसा नहीं मिला उन लोगों को, तो उन लोगों को भी पूरा पैसा किसान सम्मान निधि योजना का मिल सके, और वो भी एक भी पैसा नहीं दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि वो अपात कर दिए गए हैं दोस्तों। तो हमें इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि राज्य सरकार के पास भी पहुँचे, केंद्र सरकार के पास भी पहुँचे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस चीज़ को संज्ञान में लें, और उन लोगों का जिन जिन लोगों को अपात किया गया है वास्तव में वो किसान पात हैं, और उन्हें पात किया जाए, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाए, वो इस योजना से जो वंचित हैं तो उनको भी इस योजना का पूरा लाभ दिया जाए, और वो भी किसान सम्मान निधि का पैसा पा सकें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।